Hello aspirants, welcome to our channel join MNS Academy. I hope you all are doing great. आज के वीडियो में हम करंट अफेयर का टेस्ट करेंगे like every videos. इसमें भी हम 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं. So before starting the video, I would request you all कि आप अपनी नोटबुक एंड पेन लेके बैठे ताकि आप अपने मार्क्स या आंसर्स जो आप नोट करना चाहते हैं आप कर सकें एंड बाद में आपको रिवीजन करने के लिए ईजी रहेगा. So let's start. Our first question is, the president of which African nation has declared a state of emergency? कौन से African nation के president ने emergency declare कर दी है, state of emergency declare कर दी है? घाना, जिम्बाब्वे, DRC या नाइजर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी DRC. DRC क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. तो इनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ही वायलेंस हो रहा है. कहाँ पे? ईस्टर्न प्रोविजन इन नॉर्थन कीवू एंड इटूरी. नेक्स्ट इज, व्हेन इज़ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब होता है? अप्रैल 30, मई 1, मई 2 और मई 3. The correct answer is option D, May 3. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे May 3 को देखा जाता है हर साल. ये जो डे है डेडिकेट होता है टुवर्ड्स सेलिब्रेटिंग द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. तो प्रेस क्या है? प्रेस की फ्रीडम ही डेमोक्रेसी है. ठीक है, एक तरीके से ये इसका 4th पिलर है. द प्रेस एंड द कॉमेमोरेट्स द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म एंड स्ट्रगल फेस्ड बाय जर्नलिस्ट हु हैव रिस्क देयर लाइफ टू सीक एंड ब्रिंग ट्रू स्टोरी टू द वर्ल्ड. तो जर्नलिस्ट जो होते हैं उनको सच्ची जो स्टोरीज़ होती है या जो भी फैक्ट्स होते हैं उन सबको लाने के लिए काफ़ी रिस्क लेना पड़ता है, तो इसलिए उनके लिए एक डे सेलिब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट इज़, विच नेशन इज़ होस्टिंग G7 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग? कौन सा नेशन G7 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग होस्ट कर रहा है? इंडिया, फ्रांस, UK या कैनेडा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी UK. India's External Affairs Minister S Jaishankar is going to visit London, UK from May 3 to May 6, 2021. तो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? S जयशंकर. ये विजिट करने वाले हैं लंदन UK में 3 मई से लेकर 6 मई तक. ये पार्टिसिपेट करेंगे G7 फॉरेन एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर मीटिंग में ड्यूरिंग COVID-19 पैंडमिक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th. Former Union Minister and Governor Jagmohan passed away on May 3, 2021. He passed away on 3rd May. हमसे पूछा है कि उन्होंने कौन से स्टेट का एज अ गवर्नर सर्व किया था फॉर 2 टर्म्स? JNK, दिल्ली, गोवा या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए JNK. जो वेटरन पॉलिटिकल लीडर है जगमोहन, he passed away on 3 May after battling a brief period of illness. His death was because of his illness. He had served as a governor of Jammu and Kashmir and Goa. ये जम्मू एंड कश्मीर एंड गवर्नर थे गोवा के एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे. He had served the governor of JNK 2 times. JNK के 2 times रहे हैं. तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि 2 टर्म्स के लिए कौन से स्टेट में किया है. वैसे तो सारे ही स्टेट में किया है लेकिन यहाँ पे हमसे 2 टर्म्स बोला था, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI? RBI का डिप्टी गवर्नर किसको अपॉइंट किया गया है? TN राव, T Ravi Shankar, वेंगुगोपाल मेमोन या शशि अय्यर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी T Ravi Shankar. The appointment committee of the cabinet on May 1st, 2021 approved the appointment of T Ravi Shankar as the new deputy governor of Reserve Bank of India. He will be succeeding B P Kanungo, who retired from the post on April 2nd after receiving 1-year extension in his position. तो ये बन रहे हैं किसके बाद? BP Kanungo के बाद. ठीक है, और इनकी अपॉइंटमेंट कब हुई है? May 1st को. Next is, the Indian Air Force has planned to set up 100-bedded COVID-19 care facility in which city? Indian Air Force ने प्लान किया है कि वो सेटअप करेगा एक 100-बेडेड COVID-19 केयर फैसिलिटी. कौन से सिटी में? हमें बताना है कि सिटी का नाम क्या है. पूना, बेंगलुरु, दिल्ली या भोपाल? Correct answer is option B, Bengaluru. The Indian Air Force announced on May 4, 2021 that it will be established a 100-bedded COVID care treatment facility at its Air Force Station in Bengaluru. तो बेंगलुरु में जो Air Force Station है वहीं पे ये 100-bedded का जो COVID care facility है वो बनने वाला है. The IAF informed that 20 bed would be ready by May 6 with the oxygen concentration that remain 80 bed will be operationally by May 20. तो ऐसा बोला गया था कि 20 बेड्स जो है पहले से ही लग चुके हैं, अभी 80 बेड्स ही लगाने के लिए बचे हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. द US FDA इज़ लाइकली टू ऑथराइज विच वैक्सीन फॉर यंग एडल्ट एज अबव 12 ईयर्स. सो पूछा है जो US FDA है वो किस वैक्सीन को ऑथराइज कर देगा यंग एडल्ट के लिए. फाइजर, मॉडर्ना, J&J या एस्ट्राजेनेका. J&J क्या है? जॉनसन एंड जॉनसन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फाइजर. द यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइकली टू ऑथराइज द यूज़ ऑफ COVID-19 वैक्सीन ऑफ फाइजर फॉर यंग एडल्ट ऑफ एज 12 एंड ओल्डर बाय द नेक्स्ट वीक. तो आपको पता है US में लग चुका हाँ स्टार्ट हो चुका है. जो 12 टू 18 के एज ग्रुप वाले बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेशन होना स्टार्ट हो चुका है. तो उनको कौन सी वैक्सीन लग रही है? फाइजर वाली. ठीक है. द गवर्नमेंट एम एट सेटिंग अप द शॉट फॉर मैनी बिफोर द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट स्कूल ईयर. तो ये लोग क्या चाहते हैं कि नेक्स्ट स्कूल ईयर जो बिगिन हो उससे पहले जितने ज़्यादा बच्चों को हो सके उतना वैक्सीन लग जाए. US का है ये याद रखो, इंडिया का नहीं है. इंडिया में तो अभी 18 टू जो 35 वाले एज ग्रुप है उनको भी नहीं लगा है. तो अभी 12 टू 18 वाला अभी टाइम लगेगा उसमें. नेक्स्ट इज विच नेशन विल होस्ट शैंग्री ला डायलॉग इन जून 2021. कौन सा नेशन होस्ट करने वाला है? मलेशिया, चाइना, सिंगापुर या स्विट्ज़रलैंड. तो ये करेगा सिंगापुर. ये एक सिक्योरिटी समिट होता है सिंगापुर में, होगा जून 4 से लेके 5 तक. ये इनकी एक एनुअल मीटिंग होती है जो लास्ट ईयर कैंसिल हो गई थी COVID-19 पैंडमिक की वजह से. द इवेंट विल सी पार्टिसिपेशन फ्रॉम द टॉप मिलिट्री ऑफिशियल, डिप्लोमेट्स एंड वेपन मेकर फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब. इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, वेपन मेकर, पूरे ग्लोब से जो भी होते हैं. ठीक है, वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. Which nation's cricket team has become the top-ranked ODI team in the world? ODI One Day International. तो कौन सी नेशन की टीम है, क्रिकेट टीम है जिसने टॉप रैंक किया है वन डे इंटरनेशनल में? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड. सो न्यूजीलैंड जो है उन्होंने रिप्लेस कर दिया है वर्ल्ड चैम्पियंस इंग्लैंड को और वो टॉप रैंक बन चुकी है वन डे इंटरनेशनल में. न्यूजीलैंड ने अपनी थर्ड पोजीशन गेन की है बाय बीटिंग बांग्लादेश 3-0 से. इन देयर ODI सीरीज द टीम मूव्ड अप 2 स्लॉट्स इन ICC मेंस ODI टीम रैंकिंग विद एन एग्रीगेट ऑफ 121. इतना डीप में कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की, बट हम स्पोर्ट्स सेक्शन को छोड़ नहीं सकते क्योंकि स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं. तो इसलिए स्पोर्ट्स का जो भी होता है वो आपको थोड़ा देख लेना है, ऊपर ऊपर से ही देख लेना. जैसा मतलब कौन जीत रहा है, किसको मेडल मिल रहे हैं या किसको कोई पोजीशन दी गई है, पर पूरी तरह अवॉइड मत करना. रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड 100 million ईयर अगो बोन ऑफ sauropods इन विच इंडियन स्टेट्स. रिसर्चर्स ने बोन्स डिस्कवर किए हैं जो कि 100 million ईयर अगो बोले जा रहे हैं. ठीक है, ये एक डायनासोर के है. तो ये कौन से स्टेट में उन्होंने खोजा है इसको? मिजोरम, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा या मेघालय. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मेघालय. द रिसर्चर्स हैव आइडेंटिफाइड द फॉसिल बोन फ्रेगमेंट ऑफ द लॉन्ग नेक डायनासॉर्स नोन एज sauropods फ्रॉम एन एरिया अराउंड वेस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट एंड मेघालय. मेघालय में इन्होंने खोजा है. ये बोला जा रहा है कि फॉसिल बोन जो है वो एक लॉन्ग नेक डायनासोर का है. ठीक है, द फॉसिल डेटेड बैक अबाउट 100 million ईयर्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. नासा पार्कर सोलर प्रोब हैज़ डिटेक्टेड नेचुरल रेडियो एमिशन फ्रॉम विच प्लैनेट्स एटमोसफेयर. नासा का एक पार्कर सोलर प्रोब था, उसने डिटेक्ट किया है नेचुरल रेडियो एमिशन कौन से प्लैनेट के एटमोसफेयर से? मार्स, वीनस, मर्करी या सैटर्न? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वीनस। नासा का जो ये पार्कर सोलर प्रोब है, इसने अराउंड जुलाई 2020 में, मतलब ये वहाँ से होके गुजर रहा था, तो इसने ऐसा डिटेक्ट किया कि वहाँ पे नेचुरल रेडियो सिग्नल्स मिल रहे हैं उसको वीनस के एटमॉस्फेयर से। द पार्कर सोलर प्रोब वॉज लॉन्च्ड इन 2018 एज अ सोलर मिशन टू एनालाइज द सन। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, इस सोलर प्रोब को, टू एनालाइज सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप? वर्ल्ड की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप का नाम क्या है? सनफ्लावर 40, अर्थ 2030, मेफ्लावर 400 या सीफेयरर 66? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मेफ्लावर 400। मेफ्लावर 400 इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप built by the team of researchers from the marine research organization ProMari in the collaboration with IBM। ठीक है, तो ये 15 मीटर लॉन्ग है एंड इसका वेट 9 टन है। ये कम्प्लीटली ऑटोनॉमस शिप है। द शिप इज़ सेट टू सेल ऑन द ट्रांसलेटिक वॉयज। इट विल ट्रैक एक्वेटिक मैमल एंड एनालाइज प्लास्टिक इन द वाटर एंड स्टडी मरीन पॉपुलेशन। ये बनाया क्यों गया है? ताकि ये एक्वेटिक मैमल्स के ऊपर स्टडी कर सके, पानी में कितना प्लास्टिक है उन सब चीज़ों को एनालाइज कर सके और मरीन पॉपुलेशन की स्टडी कर सके। नेक्स्ट इज इंडियन आर्मी हैज़ लॉन्च द फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट इन विच स्टेट? इंडियन आर्मी ने एक ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट लॉन्च किया है पहली बार, कौन से स्टेट में? मिज़ोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या तेलंगाना? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सिक्किम। The Indian Army on April 30, 2021 launched the first green solar energy plant in North Sikkim to harness renewable energy for its troops। So basically renewable energy को use कर सके वो अपने काम के लिए, इसलिए ये launch किया है। Next is which vaccine manufacturer has said its vaccine has to be found 100% in preventive COVID-19 among adolescents? तो कौन से वैक्सीन मैन्युफैक्चरर ने कहा है कि जो उनकी वैक्सीन है वो 100% प्रिवेंटिव पाई गई है अमंग एडोलेसेंट? मॉडर्ना, फाइजर, J&J या स्पूटनिक? ये न्यूज़ में भी काफ़ी था, सो ये आप मुझे बताओगे। ओके, दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, माउंट नायरी रैंगोंगो इरेप्ट आफ्टर ऑलमोस्ट 2 decades। On May 22, 2021, the active volcano is located within which nation? So basically यहाँ पे एक volcanic activity हुई, ठीक है, जो कि almost 2 decade बाद हुई है। ये कहाँ पे located है, कौन से nation में, हमसे ये पूछा है। Democratic Republic of Congo, रवांडा, नाइजीरिया या नाइगर? Correct answer is option A, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। नायर रैंगोंगो इरप्ट इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ऑन May 22 आफ्टर ऑलमोस्ट 2 decades, फोर्सिंग थाउजेंड्स टू फ्ली देयर होम्स। द लावा डिस्ट्रॉय मोर देन 500 होम्स ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ गोमा सिटी, बट द सिटी एट लार्ज वॉज सेव्ड। तो ऑलमोस्ट 500 घर जो थे बर्बाद हो चुके हैं बिकॉज ऑफ लावा, और लोगों को वहाँ से भागना पड़ा है अपने घर को छोड़कर। Next is which state's chief minister inaugurated a drive-in COVID-19 vaccine center on May 26? तो कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने एक ड्राइव-इन कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर बनाया है? ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आया था, आपने देखा होगा। वो लोग अपनी कार में जा रहे थे, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी किया तो वहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन हो जा रहा था एंड साथ में ही वैक्सीनेशन भी हो जा रही थी, ठीक है। तो ये कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने किया है? तेलंगाना, दिल्ली, केरला या राजस्थान? करेक्ट आंसर है दिल्ली। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो हैं इन्होंने ये स्टार्ट किया। द ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर हैज़ बीन सेट अप बाय द दिल्ली गवर्नमेंट पार्टनरशिप विद आकाश हेल्थ केयर सुपर हॉस्पिटल। तो एक हॉस्पिटल की पार्टनरशिप के साथ इन्होंने ये लॉन्च किया। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CBI's न्यू चीफ। CBI का न्यू चीफ किसको बनाया गया है? राकेश अस्थाना, वाईसी मोदी, सुबोध जायसवाल या एसएस देसवाल? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सुबोध जायसवाल। सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं ये और इनको मई 25 को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू सीबीआई डायरेक्टर फॉर 2 ईयर एज पर द पर्सनल मिनिस्टर ऑर्डर। The three-member selection committee led by PM नरेंद्र मोदी on 24, तो 3 member की कम्युनिटी थी जिन्होंने इनको सिलेक्ट किया है और बनाया है, शॉर्टलिस्ट किया था, और अब ये क्या बन गए हैं? CBI के न्यू डायरेक्टर। CBI का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट इज द मिलिट्री जूंटा ऑफ विच नेशन हैज़ अरेस्टेड द प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर? तो कौन सी कंट्री के मिलिट्री ने उनके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और डिफेंस मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया है? जाम्बिया, माले, यूटोपिया या एरिट्रिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, माले। तो जो माले की मिलिट्री है उन्होंने उनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये उनके नाम है, इन सबको उन लोगों ने अरेस्ट कर लिया है ऑन 24 मई। नेक्स्ट इज Which among the following vaccine does not yet feature in WHO's emergency use listing? तो WHO ने कुछ कुछ वैक्सीन को अलाउ किया था कि आप इसको एमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एक लिस्ट बना के दी थी। वैसे बहुत सारी वैक्सीन वैसे भी यूज़ हो रही है, तो इसमें से कौन सी वैक्सीन है जो नहीं है अभी तक? कोवैक्सीन, कोविशील्ड, सीनोफार्म, लास्ट ऑप्शन इज जॉनसन एंड जॉनसन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। भारत की जो कोवैक्सीन है इसको अभी तक WHO के यूज़ लिस्ट में नहीं डाला गया है, बट ये इंडिया में यूज़ हो रही है, ठीक है। भारत बायोटेक इज़ कॉन्फिडेंट अबाउट ऑब्टेनिंग द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग फॉर इट्स कोविड-19 वैक्सीन। वो कॉन्फिडेंट है कि ऑब्टेन कर लेंगी, अभी तक उनको मिला नहीं है, ठीक है, और ये कितने सारे लोगों को लग भी चुकी है। The drug manufacturer has submitted 90% of the documentation required for emergency use listing by the Global Health। इन्होंने 90% डॉक्यूमेंटेशन जो भी है वो सब उनको दे दी है। नेक्स्ट इज व्हेन विल द टोटल लूनर एक्लिप्स बी विजिबल? टोटल लूनर एक्लिप्स कब देखने को मिलेगा? मई 26, मई 27, मई 28 और मई 29। ये सारा इसी साल का है, ठीक है, ये अभी तो होके भी चला गया। कब था ये? 26 मई को, ठीक है। एक लूनर एक्लिप्स देखने के लिए मिला था, ये 2 साल के गैप के बाद देखने के लिए मिला था। ये एक रेयर सेलेस्टियल इवेंट होता है जिसको हम सुपर ब्लड मून भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें मून जो होता है वो हल्का सा रेड ऑरेंज कलर का हो जाता है, तो ब्लड मून जैसे यहाँ पे नाम दिया गया, उसे भी आप समझ सकते हो कि थोड़ा रेड ऑरेंज कलर का वो हो जाता है मून। Which nation force landed a flight carrying a dissident journalist? कौन सी नेशन ने किया है? लटाविया, बेलारूस, लिथुआनिया या ग्रीस? ये किया है बेलारूस ने। तो डिसिडेंट मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो उनको अपोज कर रहा हो, तो एक डिसिडेंट जर्नलिस्ट मतलब ऐसा पर्सन जो उनकी गवर्नमेंट को या उनकी नेशन के लिए कुछ अपोज कर रहा होगा, तो उसको, उसकी फ्लाइट जो थी उसको फोर्सफुली लैंड करवाया गया है। सो बेलारूस ऑन मई 23 फोर्स लैंडेड अ कमर्शियल प्लेन दैट वाज फ्लाइंग फ्रॉम एंथन इन ग्रीस टू, इतना देखो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली क्या हुआ, जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे, बेलारूस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ऐसा रिपोर्टेडली बोला कि जो भी ये जर्नलिस्ट था उसको अरेस्ट करना है, तो ये फ्लाइट जो थी उसको फोर्सफुली लैंड करवा दिया गया। अगला है विच इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशन वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टीजियस ग्लिक हिच अवार्ड ऑन मई 21? मई 21 को किस फेडरेशन को यह अवार्ड मिला है? फेडरेशन बोला है, कोई पर्सन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया या हॉकी इंडिया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हॉकी इंडिया। जो हॉकी इंडिया उसको ऑनर किया गया है ये इस प्रेस्टीजियस अवार्ड से। इनका जो कंट्रीब्यूशन है और जो काम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हॉकी की तरफ, उसके लिए द अवार्ड वाज अनाउंस्ड बाय द गवर्निंग बॉडी ऑफ द गेम, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से ये अवार्ड अनाउंस किया गया था। ये इवेंट वर्चुअली हुआ था। नेक्स्ट है विच नेशन हैज़ प्रोविजनली अप्रूव्ड ब्रीथ एनालिसिस टेस्ट टू डिटेक्ट कोविड-19 इन 1 मिनट। किस नेशन ने कोविड-19 के लिए ब्रीथ एनालिसिस टेस्ट को अप्रूव कर दिया है और ऐसा बोला जा रहा है कि 1 मिनट में ये डिटेक्ट कर सकता है कोविड-19 को। साउथ कोरिया, चाइना, सिंगापुर या यूके। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सिंगापुर। सिंगापुर ने ऑथराइज कर दिया है और प्रोविजनली अप्रूव्ड अ कोविड-19 ब्रीथ एनालिसिस टेस्ट दैट डिटरमाइन if someone is COVID-19 positive in less than a minute. Next question is, who among the following author has published the book The Ica Box? ये book किसने publish की है? अभी recently हमसे ये पूछा है। Dan Brown, J.K. Rowling, George R.R. Martin, Stephen Meyer. Correct answer is option B, J.K. Rowling. तो ये इन्होंने book launch की और इनकी book हमेशा मतलब आती रहती है exams में, ठीक है। तो इन्होंने न्यू एक बुक लॉन्च की है, द फर्स्ट 5 चैप्टर ऑफ अ न्यू बुक ऑनलाइन फॉर फ्री। पहले 5 चैप्टर जो हैं वो ऑनलाइन फ्री है। द ऑथर फेमस फॉर द हैरी पॉटर बुक सीरीज़ अनाउंस द न्यूज़ ऑन हर वेबसाइट। इनकी जो बहुत सबसे फेमस बुक है वो है हैरी पॉटर और उस पर मूवीज़ भी बन चुकी है। वो एक पूरी सीरीज़ है, उसमें 7-8 बुक हैं शायद। एंड इन्होंने प्लान किया है कि ये बुक रिलीज़ करेंगे प्रिंट बुक में, ऑडियो बुक में, ई बुक फॉर्मेट में नवंबर 2020 तक। And the famous author will donate the royalty to the group who have been impacted by the COVID-19 pandemic. वो सारा donate कर देंगी, ठीक है। Next है who has been appointed as the new chief executive officer and managing director of Wipro. Wipro के new chief executive officer and managing director किसको appoint किया है? Rishabh Premji, Thierry Delaporte, Mark Pavlo या Henry Schach। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टेरी डेलापोर्ट। ये विप्रो के न्यू सीईओ एंड एमडी बने हैं ऑन मई 29 और ये 6 जून से इफेक्ट में आएंगे, मतलब काम करने लगेंगे। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे फॉर यूएन पीस कीपर्स ऑब्जर्व्ड। इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स कब देखा जाता है, कब मनाया जाता है? मई 29, मई 28, मई 27 या मई 26। Correct answer is option A, May 29. The United Nations celebrate International Day for UN Peacekeepers on May 29. इस साल की थीम क्या थी? Women in Peacekeeping, a key to peace. ये आपको important dates and themes जो होती है उसमें भी याद करना है, जो themes हैं, ठीक है। Women in Peacekeeping, a key to peace. Next is who won the Billboard Icon Award 2021? किसने जीता है? Pink, Lady Gaga, Drake या The Weeknd? Correct answer is option A, Pink. The 41-year-old singer received the Icon Award at 2021 Billboard Music Award, which was presented on May 23rd. तो ये 41-year-old हैं and ये May 3rd को हुआ था, ठीक है। The singer is one of the 10 artists to ever won the honor. सिर्फ 10 लोगों को आज तक मिला है and she is one of the 10. कौन कौन से लोगों को पहले मिल चुका है, यहाँ पे सबके नाम लिखे। If you want, pause करके read कर सकते हो। Next is who won Artist of the Decade Award at the 21st Billboard Music Award. किसको Artist of the Decade का award मिला है? Lady Gaga, Taylor Swift, The Weeknd या Drake? Correct answer is Drake. Drake को मिला है ये award. So ये हिप हॉप आर्टिस्ट है और यहाँ पे उनके बारे में कुछ कुछ लिखा है, पढ़ सकते हो, वैसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये। Next is which country has become the third nation after Brazil, US to cross 3 लाख कोविड डेथ? ब्राज़ील एंड US के बाद कौन सा कंट्री थर्ड नेशन बन चुका है जिसमें कोविड के वजह से 3 लाख से ज़्यादा डेथ हुई है? UK, इंडिया, फ्रांस या इटली? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इंडिया। इंडियाज़ कोविड डेथ टोल हैज़ क्रॉस्ड 3 लाख मार्क, मेकिंग इट्स थर्ड कंट्री ग्लोबली टू क्रॉस द ह्यूज फिगर आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्राज़ील। India has been reporting over 2 lakh fresh COVID cases daily over the last several weeks, causing a severe strain on its healthcare infrastructure and leading to a major shortage of bed, medical oxygen and emergency medical supplies. तो ये देखो मई का है, अभी तो मई एंड हो चुका है, ठीक है। तो अभी सिचुएशन थोड़े सुधर चुके हैं, पर इसमें हम मई की करंट अफेयर कर रहे हैं। उसके हिसाब से जब स्टार्टिंग में तो ऑक्सीजन की कमी बहुत थी, बेड्स की भी कमी थी और काफ़ी लोग की डेथ भी हो रही थी, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये थर्ड पे तो आ ही चुका ऑब्वियसली, जो डेथ हो गए जिनकी वो दोबारा तो रीबॉर्न नहीं हो जाएंगे, लेकिन अभी सिचुएशन ठीक हो चुकी है, मैं आपको बस ये बता रही हूँ। ओके, नेक्स्ट इज विच एनिमल विल बी री इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया आफ्टर बीइंग डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन 1952। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज मैंने ये अभी करवाया था आपको किसी एक सेशन में, और मैंने उसमें बताया था आपको कि 3 जो एनिमल है वो एक्सटिंक्ट घोषित कर चुके थे, लेकिन अभी ये फिर से री इंट्रोड्यूस मतलब इसको फिर से पाया गया है। तो कौन सा एनिमल है? तो ये चीता है, ठीक है। मैंने आपको उसमें बताया था कि चीता एंड पिंक हेडेड डक को एक्सटिंक्ट बता दिया गया था, ठीक है, लेकिन अभी चीता फिर से देखने के लिए मिला है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। द वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड एनिमल द चीता विच वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया in 1952 will be reintroduced in India in November 2021 at the Kunnu National Park in Madhya Pradesh। तो इस national park में आएगा according to state forest minister Vijay Shah, ठीक है। जो forest minister है वहाँ के, उन्होंने ये बताया है कि नवंबर में लेकर आएंगे किसी और कंट्री से, और ये कौन से पार्क में आएगा? कुन्नू नेशनल पार्क। तो ये नेशनल पार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर वहाँ पे यह आ गया तो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हु हैज़ बीन क्राउंड मिस यूनिवर्स फॉर ईयर 2020। किसको क्राउन किया गया है? एडेलाइन कैस्टलिनो, एंड्रिया मीज़ा, जूलिया गामा या जेनिक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एंड्रिया मीज़ा। तो ये मैक्सिको की हैं और इनको मिस यूनिवर्स बताया गया है। ये 69वां एडिशन था जो कि 16 में 2021 में हुआ। शी इज़ 26 ईयर ओल्ड एंड ऑल दिस, ठीक है। जो पुरानी थी उन्होंने, आपने देखा होगा ना, वो जो इससे पहले होती है वो अपना ताज उतार के पहनाती है, तो वही वाला इससे पहले ये थी। नेक्स्ट है नोटेड इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट सुंदरलाल बहुगुणा पास्ट अवे ड्यू टू कोविड-19 ऑन May 21। तो ये एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थे। ये कौन से मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, हमसे ये पूछा है। इनकी डेथ हो चुकी है अभी कोविड-19 की वजह से। इनमें से कौन से मूवमेंट से वो जुड़े हुए थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट या एपिको मूवमेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चिपको मूवमेंट। सुंदरलाल बहुगुणा द 94-year-old चिपको मूवमेंट लीडर एंड नोटेड environmentalist passed away due to COVID-19 on 21. So on May 21 he passed away because of COVID-19 and he was 94-year-old. Next is which state government has approved setting up a legislative council? किस state government ने approve कर दिया है एक legislative council setup करने के लिए? केरला, असम, तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद इन द स्टेट ड्यूरिंग अ कैबिनेट मीटिंग। लेजिस्लेटिव काउंसिल को हिंदी में विधान परिषद बोलते हैं। इन्होंने अप्रूव कर दिया है इसका सेटअप करने के लिए जब इनकी कैबिनेट मीटिंग हो रही थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ऑन 17 में, तब, ठीक है। इनकी पार्टी का नाम क्या है? तृणमूल कांग्रेस, TMC। Next, the state government has asked which social media platform to withdraw its privacy policy update. Central government ने कौन से social media platform को अपनी privacy policy update को withdraw करने के लिए बोला है, हटा देने के लिए, ठीक है। Twitter, Facebook, WhatsApp या Snapchat। Correct answer है option C, WhatsApp। तो WhatsApp को बोला गया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ आस्ट, कौन है ये मिनिस्टर, कौन है, उनका नाम बताना मुझे, ठीक है। उन्होंने ये बोला है, उनको नोटिस दिया है WhatsApp को, और बोला है जो उनकी प्राइवेसी पॉलिसी है उसको विदड्रॉ की जाए। द मिनिस्टर हैज़ गिवन WhatsApp टाइम टिल May 25 टू रिस्पॉन्स टू द नोटिस। 25 मई तक का लास्ट टाइम दिया है उनको नोटिस के लिए रिस्पॉन्स करने के लिए। अभी एक और चीज़ काफ़ी जो न्यूज़ में आ रही थी ट्विटर के रिगार्डिंग भी, ठीक है। ट्विटर के एंड जो सारे OTT प्लेटफॉर्म्स है जिस पे, जैसे नेटफ्लिक्स हो गए और प्राइम हो गया, अमेज़न प्राइम, जिस पे हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं, उन सारे चीज़ों के लिए भी एक पॉलिसी आ रही थी। तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक है। Who has been appointed as People's Advocate for COP26 for Climate Change? किसको People's Advocate जैसा अपॉइंट किया गया है COP29 के लिए? डेविड एटनबर्ग, प्रियंका चोपड़ा, ग्रेटा थर्नबर्ग या लियोनार्डो डिकैप्रियो। तो ये किया गया है डेविड को, ठीक है। सर डेविड जो है ये एक नेचुरल हिस्टोरियन एंड वर्ल्ड रियोन ब्रॉडकास्टर हैं। इनको अपॉइंट किया गया है May 10 को एज अ पीपल्स एडवोकेट फॉर COP26 फॉर द UK प्रेजिडेंसी ऑफ द UN क्लाइमेट चेंज समिट टू बी हेल्ड ऑन ग्लासगो इन November 21। COP26 क्या है? COP26 बेसिकली क्लाइमेट को लेके जैसे मीटिंग्स होती है अलग अलग, उसी तरीके की एक मीटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकम द फर्स्ट इंडियन फाइटर टू बिकम MMA वर्ल्ड चैम्पियन। इंडिया का फर्स्ट फाइटर कौन है जो MMA वर्ल्ड चैम्पियन बना है? चैतन्या, सनी, मोहम्मद या अर्जन सिंह। तो ये है अर्जन सिंह, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। Ajay Singh Bhullr become the first Indian fighter to win one heavyweight world title at the top level mixed martial art MMA। MMA का full form क्या है? Mixed martial arts championship event in the Singapore। सिंगापुर में ये event हुआ था। After defeating the long time heavyweight King Barden, the Truth Vera। तो ये जो Barden थे उसको इन्होंने हराकर ये चैम्पियनशिप अपने नाम कर ली है। अगला है हु हैज़ डेवलप्ड द न्यू एंटी कोविड ड्रग 2DG। 2DG नाम की एक न्यू एंटी कोविड ड्रग डेवलप्ड की है। ये किसने डेवलप्ड की है? DRDO, भारत बायोटेक, इसरो या ICMR। करेक्ट आंसर इज DRDO। तो ए वाला ऑप्शन सही है। द एंटी कोविड ड्रग 2DG has been developed by DRDO's Institute of Nuclear Medicine and Allied Science in the collaboration with Dr. Reddy's Laboratory। तो ये कोलैबोरेशन करके बनाया है इन्होंने, DRDO ने एंड डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ। अब यहाँ पे वो दवाई के बारे में थोड़ा सा बताया है। इफ़ यू वांट यू कैन पॉज एंड रीड दिस, ठीक है, कैसे लेना होता है वही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बिकम द सेकेंड वन इन द वर्ल्ड टू सेंड रोवर ओवर मार्स। कौन सी कंट्री सेकेंड बन चुकी है जिसने मार्स पे अपना रोवर भेजा है? रशिया, फ्रांस, चाइना या इंडिया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चाइना। सो ताइवान वन चाइनाज अनक्रूड spacecraft successfully landed on the surface of Mars on May 15। तो May 15 को successfully land हो चुका है। The landing of the spacecraft had made the country only second in the world to send rover over exploring red planet। और ये जैसे ही land हुआ इसके बाद चाइना second बन चुकी है, ठीक है। Next है when is the राजीव गांधी death anniversary observed। राजीव गांधी की death anniversary कब observe की जाती है? May 21st, May 25th, May 23rd या May 22nd। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ये लेट प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं हमारे कंट्री के, और इनकी जो डेथ एनिवर्सरी है वो 21 मई को देखी जाती है। रशिया हैज़ स्टार्टेड इट्स बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट विद विच कंट्री। रशिया ने एक अपना सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है किस कंट्री के साथ या किस नेशन के साथ? चाइना, USA, जापान या इंडिया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चाइना। चाइना एंड रशिया मिलके दोनों एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अंडर द प्रोजेक्ट रशिया एंड चाइना विल जॉइंटली बिल्ड 4 हाई पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट इन 2 चाइनीज सिटीज़। तो चाइनीज सिटीज़ में ही बनाएंगे, ठीक है, और रशिया इनकी हेल्प करेगा। अगला है व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑब्जर्व्ड। कब देखा जाता है? ये देखा जाता है 22 मई को। ऑप्शन बी जो है वही करेक्ट है, ठीक है। द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 मई। द ईयर थीम इज़ वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। क्या थीम है? वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। थीम याद रखना सारा, जो भी बता रही हूँ, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड म्यूकोमाइकोसिस डिजीज़ एज अ एपिडेमिक इन द स्टेट। म्यूकोमाइकोसिस क्या है? ये जो ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है उसका साइंटिफिक नेम है म्यूकोमाइकोसिस। कौन सी स्टेट ने इसको एक एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या राजस्थान। करेक्ट आंसर है राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट ने 19 मई को इसको एज अ एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया था बिकॉज़ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लैक फंगस के केसेस देखे जा रहे थे जो कोविड-19 से पेशेंट रिकवर हो गए हैं उनमें। ठीक है, अगला है अकॉर्डिंग टू द न्यू स्टडी अंटार्कटिका विल रीच अ क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट बाय विच ईयर। न्यू स्टडीज़ के हिसाब से अंटार्कटिका एक क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट पे पहुँच जाएगा किस साल तक, 2050, 2100, 2060 या 2070? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 2060। तो न्यू स्टडीज़ जो पब्लिश की गई है जर्नल नेचर शो दैट अंटार्कटिका आइस शीट कुड रीच अ टिपिंग पॉइंट बाय अबाउट 2060। दिस मीन्स इफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन कंटिन्यू एट द रेट द अंटार्कटिका आइस शीट विल क्रॉस इट्स क्रिटिकल थ्रेशोल्ड लीडिंग टू अ इरिवर्सिबल ग्लोबल सी लेवल राइज। क्या बोला गया है इसमें, देखो बोला है कि जिस हिसाब से ग्रीन हाउस एमिशंस बढ़ते जा रहे हैं तो अगर उसी रेट से बढ़ते रहे तो 2060 तक अंटार्कटिका की जो भी आइस शीट है वो इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी कि उसका वजह से ग्लोबल सी लेवल राइज हो जाएगा और वो इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, तो इससे को अगर रोकना है तो क्या करना होगा, ग्रीन हाउस एमिशन कम करना होगा। नेक्स्ट इज़ हु इज़ गोइंग टू कोच टीम इंडिया ड्यूरिंग इट्स श्रीलंका टूर इन जुलाई 2021? कौन कोच करने वाला है, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर या वीरेंद्र सहवाग? तो जो कोच करेंगे वो हैं राहुल द्रविड़। फॉर्मर इंडियन स्किपर राहुल द्रविड़ विल कोच टीम इंडिया ड्यूरिंग इट्स लिमिट ओवर सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका इन जुलाई 2021। तो ये उनको कोच करने वाले हैं। ये इनका सेकेंड टाइम रहेगा जब वो इंडिया की टीम के लिए काम करेंगे एज अ कंसल्टेंट। इससे पहले इन्होंने 2014 का जो टूर था इंग्लैंड के साथ इंडिया का, उसमें भी एज अ कंसल्टेंट हेल्प की थी। ठीक है, अगला है इंडियाज़ फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटी सेंटर हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? इंडिया का सबसे पहला एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है कौन सी सिटी में, बेंगलुरु, पुणे, भोपाल या हैदराबाद? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पुणे। इंडियाज़ फर्स्ट एग्रो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर हैज़ बीन लॉन्च्ड इन पुणे बाय महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर इन कोलैबोरेशन विद नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड के साथ मिलके इन्होंने लॉन्च किया है। ये सेंटर जो है वन स्टॉप सेंटर रहेगा सारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर्स के लिए। When is International Day against homophobia, transphobia and biophobia is observed? International Day against homophobia, transphobia and biophobia कब मनाया जाता है या कब देखा जाता है, 16 मई, 17, 18 या 19? कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मई 17 को। तो ये डे इसलिए मनाया जाता है कि लोगों के बीच में LGBT कम्युनिटी के जो राइट्स होते हैं उनका वायलेशन वो लोग करते हैं उसके बारे में अवेयरनेस हो, और इसका ये भी एम है जो LGBT कम्युनिटी है वो अपने राइट्स के लिए खुद भी वर्क करे और इंटरेस्ट ले। अगला है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू विन द प्रेस्टीजियस शेख जैद बुक अवार्ड? ये एक अवार्ड है, ये इंडिया में पहली बार किसी पर्सन को मिला है। वो कौन से पर्सन है हमसे ये पूछा गया है, अमृता प्रीतम, झुम्पा लहरी, खलेद हुसैन या तहरा कुतुबुद्दीन? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी तहरा कुतुबुद्दीन। तो ये जो डॉक्टर तहरा कुतुबुद्दीन है ये पहली पर्सन बन चुकी है इंडिया की जिनको ये अवार्ड मिला है। ये मुंबई में एक प्रोफेसर हैं, इन्होंने जो बुक लिखी थी उनकी बुक थी अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, तो इस बुक के लिए इनको अवार्ड मिला है। नेक्स्ट इज विच नेशन विल बिकम द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बाय 2027 एज़ पर UN रिपोर्ट? UN की रिपोर्ट के हिसाब से कौन सी कंट्री की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हो जाएगी 2027 में, इंडिया, USA, जापान या पाकिस्तान? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इंडिया। तो ऐसा बोला गया है UN की रिपोर्ट में कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना को भी क्रॉस कर जाएगी और इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा 2027 में, ठीक है। द रिपोर्ट स्टेटेड दैट इंडिया विल रिमेन द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री थ्रू आउट द एंड ऑफ द करेंट सेंचुरी। तो ये सेंचुरी जो पूरी चलेगी तब तक इंडिया का जो है, जैसे अभी चाइना चल रहा है ना, कितने सालों से चाइना ही चल रहा है, तो इंडिया वैसे ही चलता रहेगा, ऐसा भी बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 49, आपको इसके बाद 50 आउट ऑफ अपने मार्क्स कमेंट करके बताना है। एंड इस क्वेश्चन को ऐसे याद मत करो, उनका डेट कोई आपसे नहीं पूछेगा। मुझे बस आपको ये बताना था कि जो तमिलनाडु के न्यू सीएम बन चुके हैं वो हैं एमके स्टैनली, ठीक है। और ये अभी ओथ ले चुके हैं, इन्होंने ओथ ली थी 7 मई को। DMK President MK Stanley will be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu for the first time ever. So ये पहली बार CM बन रहे, इससे पहले कभी भी CM नहीं थे, ठीक है। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये इनकी पार्टी है DMK, और ये चेन्नई में जो राजभवन है वहाँ पे अपनी ओथ लेंगे, जो कि ये ले चुके हैं। अभी स्टार्टिंग में ही बताया, अभी हम लास्ट में कर रहे हैं, मंथ के एंड में कर रहे हैं, तो ये May 7 में हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट पर्सन बिलोंग टू विच नेशन। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट पर्सन जो है वो कौन से नेशन से बिलोंग करता है, द फिलीपींस, थाईलैंड, जापान या चाइना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, केने तनाका इज 118 ईयर ओल्ड जापानीज वुमेन एंड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पर्सन। ये इनका नाम है, मे बी अलग प्रोनाउंस करते हो जापानीज़ में, ठीक है, ऐसे तो केने तनाका ही हो रहा है। तो ये 118 ईयर ओल्ड है। सो अभी न्यूज़ में क्यों आया, बिकॉज शी वॉज इनिशियली सपोज टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक टॉर्च रैली। तो May 11 को एक रैली होने वाली थी, ओलंपिक टॉर्च रैली, जिसमें शी वॉज सपोज टू पार्टिसिपेट, बट इनको उनकी गवर्नमेंट ने वहाँ से हटा दिया, मतलब बोला कि नहीं पार्टिसिपेट करो, क्यों, क्योंकि COVID-19 पैंडमिक की सेफ्टी की वजह से, कि वहाँ पे जाती बीमार हो जाती, सो उससे बेटर है कि वो ना जाएं और परफॉर्म ना करें। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन आवर डिफरेंट प्लेटफॉर्म, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, डू लेट मी नो योर मार्क्स, उससे मुझे एक आइडिया मिल जाता है कितने बच्चे अटैम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा हाई या ज़्यादा लो तो नहीं हो रहा। सो दैट्स वाई मैं आपको बोलती हूँ कि अपने मार्क्स कमेंट किया करो, आपका भी प्रिपरेशन चेक हो जाएगा एंड मुझे भी आइडिया लग जाता है। ओके, सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।